focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. लेकिन सुनने और पढ़ने से वो चीज पूरी अपनी नहीं बनती, वो तो एक्सपीरियंस से बनती है। आप कुछ भी सुनने और पढ़ने जो आपका एक्सपीरियंस है उसी से आपकी रियलिटी बनती है। बहुत गुस्सा चढ़ गया, बोले कितने गंदे नंबर आए हैं, तो थप्पड़ मारने चाहिए। बेटा बोला जल्दी चलिए पापा, टीचर का घर भी मैंने देख रखा है, उसी ने दिए नंबर। तो मैं भी आपकी तरह इस जोक पे बहुत हंसा, पर फिर मैं सोचने लगा कि माजरा क्या है, टीचर ने दिए नंबर, राइट, टीचर ही जिम्मेदार है। तो कोई है हमारे परिवार में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कुछ ज्यादा ही खाते हैं, मोटे भी बहुत है, और जब वो अपना तीसरा ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं और कोई उनसे कहता है आप ये क्यों खा रहे हैं, बोलते मैं क्या करता, उसने ऑफर कर दी, राइट। ऑब्वियसली वो बच्चे को चुप कराना चाहती है, उसका जो इंटेंशन है वो तो अच्छी है, लेकिन उसका एक सटल इफेक्ट क्या पड़ता है कि बचपन से बच्चे को मैसेजिंग जा रही है, कुछ गड़बड़ हो मुंह उठा के इधर उधर देखो, किसके ऊपर ये ब्लेम मढ़ा जा सकता है, कहां पे मैं गड़बड़, राइट। तो ये हमारा जब हमेशा आसपास एक्सपीरियंस रहेगा तो यही हमारी लिव्ड रियलिटी रहेगी। तो उस एक्सपीरियंस को शिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम देखते हैं या अपने संविधान को देखते हैं और उसकी बात करते हैं, तो वो पढ़ा हुआ और सुना हुआ ही ना रहे, वो एक्सपीरियंस हो, ये है आइडिया संविधान लाइव जागरूक वाले प्रोग्राम का। तो दो साल से जो इसको कर रहे हैं उसमें लोका आयोग है, तो क्या है तो इसके लिए अलग है। Fraternity, I think the rest of the three qualities, yes. So I feel justice, liberty and equality have a little hierarchy. Fraternity is something that is from among the citizens. And yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Yes, and how many times can a man turn his head, pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Everybody! Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Imagine there's no country. अपनी बात रखूं या क्या वो रखूं जो आपको एनरिच कर पाए, हमें हर रोज सीखने को मिलता है। और मैं यहाँ आया, मैंने कुछ और सोचा था कि फॉर्मल एक इवेंट है, मुझे संविधान पे बोलना है, और कनिका जी मेरी पुरानी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम संस्था से जुड़े हुए हैं और
अब दूसरा साल हो गया है और बहुत बड़े पैमाने पे बड़े स्केल पे हम आयोजन करते हैं और सबको यहाँ बुला रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए और संविधान का अपनी बात रखिए। अब भारत का संविधान इतना विशाल विषय हो जाता है, जब संविधान सभा ने बैठ के तय किया उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, अब कुछ 448 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, देश का सबसे लंबा संविधान है। तो किसी की व्यक्ति को आप ये टास्क देंगे कि आप संविधान पर जरा आपकी बात रखिए, तो कहाँ शुरू होगी, कहाँ सर है, कहाँ पैर है, कहाँ शुरुआत और कहाँ खत्म होगा, लाजमी है कि बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन अभी हमने अच्छे गाने सुने, वी हर्ड सम नाइस म्यूजिक, वी हर्ड यंग पीपल, यंग लीडर्स कम आउट एंड गिव देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आपने अपनी बात रखी, कितना कॉन्फिडेंस था आपकी बात में। मैंने पीछे खड़े होकर जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई, वेस्ट बंगाल के दो नौजवान थे बैठे हैं और उन्होंने बताया कि हमने क्या किया है। 5 सप्ताह के अंदर, 2 महीने के अंदर कह रहे थे कि जो जिस चीज़ में हम पैदा होते हैं, जिस संस्कृति में पैदा होते हैं, आजकल जो माहौल चल रहा है कि आप इस धर्म से हैं तो आप अलग रहिए, लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं, वो हमारी संस्कृति नहीं, वो हमारा संविधान नहीं। लेकिन उन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस था और उन्होंने एंड में ये कहा कि हमने खेल का आयोजन किया, टीम बनाई, कुछ उसमें मुस्लिम थे, कुछ उसमें हिंदू थे, उन्होंने अपनी टीम बनाई, उन्होंने फुटबॉल का गेम खेला। और उसके बाद उन्हीं लोगों ने हमें बताया कि देखिए धर्म का ये जो पर्दा है, इस नज़रिए से हम दुनिया को नहीं देखते, लेकिन ये तो मीडिया है, हमें लड़ा देता है, दूसरे लोग हैं हमें झगड़े में डालना चाहते हैं, हम उस तरह से नहीं जीते। तो उन लड़कों ने फिर मुझे कहा कि देखिए खेल कितना अच्छा माध्यम है लोगों को जोड़ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मुद्दों पे लड़ाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं, कहते हैं कि इस मुद्दे पे हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। मैं गाँव में जाता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं किसी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो जो लोग अवेयर हैं वो आते हैं, वो बैठते हैं, शायद वो आदर करते हैं क्योंकि वो सिस्टम को जानते हैं, वो मुझे जानते हैं, वो शायद मेरे घर या व्यक्तित्व से जुड़े हैं, इसलिए उस नाते वो आते हैं। यूनिवर्सिटी वेयर द एंटायर एजेंडा इज अबाउट यूथ, बट स्टिल द यंग पीपल डोंट वांट टू सिट एंड लिसन टू, सो देयर इज अ इंपॉर्टेंस, देयर इज अ ग्रेट इंपेशेंस इन आवर यंग पीपल। ये अच्छे संकेत हैं कि दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हो, आपने बैठकर अपनी बात कही भी है और यंग लोगों ने उन बातों को सुना भी है। लेकिन दूसरी बात इससे निकल के आती है कि आज आवश्यकता है कि उन यंग लोगों के अंदर वो क्या सोच रहे हैं। जब एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी का इंसान आपको कह रहा है कि हमारी समझ से बाहर है, या हमारे कहने से लड़के नहीं चल रहे, हमारे पुराने से नौजवान नहीं आते, वही नौजवान अगर आप उनको कहो कि कोई लड़ाई लड़नी है, वहां जो पथराव हो गया, वहां लाठी चल गई, तो वो लड़के जो है या तो भीड़ बन गए या एक दर्शक के रूप में देखने जरूर जाए, लेकिन उसके बाद वो एंगेजमेंट खत्म हो जाता है। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ और आपने देखा, वो तस्वीरें अभी भी लोगों को याद है, किस तरह से जो हुजूम आया, शायद किसी ने उनको बुलाया नहीं था, और उसमें जो मीडिया था वो चर्चा चला रहे थे कि कोई इनसे बात भी नहीं करता, सरकार का जवाब भी आया था बात करें तो किससे करें, इनके नेता कौन है, ये जो समूह है उनमें चैन कौन करेगा, हम जिससे बात करेंगे उनकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, कई इस तरह के सवाल उठा। सरकारें बदल जाती हैं, पॉलिटिशियंस का मूल स्वभाव होता है कि हम 5 साल के आगे हम लोग सोच नहीं सकते, 5 साल छूए हमारे यहाँ तो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चुनाव होता है, हमें रोज जवाब देना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है, तो हम अगर शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, ये ठीक है आप हमें दोष दे सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के लोग लंबा क्यों नहीं सोचते, वो देश के लिए क्यों नहीं सोचते, वो चुनाव के लिए क्यों सोचते हैं, और एक टर्म हमारे देश के जवान भगवान है, भगवान का रूप उनको दीजिए। अब हमने उनको भगवान का रूप दे दिया, अगर वो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं तो उनके परिवार के लोग या फिर खुद स्वयं वो लोग जो आर्मी में आज हैं, उनका हक नहीं बनता कि वो कुछ मांगे, वे कभी संगठित होकर अपनी बात ना रख सके। हमारे इन मुद्दों के साथ जुड़ाव बनते हैं, वो चले जाते हैं, मीडिया आता है, एक दिन एक इशू पे चर्चा हो रही है, वो इशू कब बदल जाए हमें पता नहीं लगता, और इसलिए आवश्यकता है कि अगर लॉन्ग टर्म हम देखें,
या एक शॉर्ट टर्म अप्रोच से अलग हटके हम सोचें कि हमारा देश क्या है। मैं सुन रहा था अभी रवि जी ने बात कही थी कि हम लोग संविधान को जी नहीं पा रहे, जो लिव्ड एक्सपीरियंस है या जहां वो एक पल होता है, अनुभव होता है कि आदमी सोचता है कि हाँ अब मैं इस चीज के साथ जुड़ गया, तरह भटकता है। हम जब पैदा होते हैं तो हम अपने रिलीजन को अपना लेते हैं। कई बार अक्सर हमारे यहाँ होता है कि आप यू आर बॉर्न हिंदू और यू आर बॉर्न टू दैट फेथ। हाउ मेनी पीपल थ्रू देयर लाइफ स्ट्रगल्स और थ्रू सम इवेंट्स इन लाइफ एक्चुअली क्वेश्चन दैट कि ओके आई एम हिंदू बट एम आई हिंदू। द सेम थिंग कैन बी सेड फॉर पहले सवाल नहीं हो सकता लेकिन आप तो कर ही सकते। कई लोग आते थे कि साहब अभी हमने जो है दही बूरा खिला के बच्चे को भेजा था, इम्तिहान दे गया, मार्क तो बाद में आएंगे लेकिन नौकरी तो आप पक्की दे दोगे ना। मैं को गवर्नमेंट की भर्ती है, रूल्स हैं, उसका प्रोसीजर है। अरे साहब वो हम सब नहीं जानते, आप हमने आपको वोट किया है। तो ऐसे रिश्ते होते हैं। अभी भी अगर आप पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम को देखोगे, अब लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, कई राज्यों में चुनाव इस एक साल इस वर्ष में होगा, मुद्दे क्या है? यूपी में भी चुनाव आया, शमशान घाट और उस पर पूरा चुनाव चला गया। किसी एक नेता ने कहा कि आप गधे हैं, दूसरे ने कहा आप कबूतर हैं। गधे कबूतर शमशान घाट दिवाली ईद चुनाव चला गया, लोगों को नहीं पता लगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को सही फ्रेम में देखें, सोचें, समझें। और ये संविधान ही है जो हमारे देश को बांध के रख सकता है, जो हमारे बीच के इतने अंतर विरोध है। जो कहावत होती है कि पानी अगर हर कोस बदल रहा है तो पानी भी बदल रही है। और बहुत विविधता है, वो ही हमारी शक्ति है। मुझे खुशी भी देख करके अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये स्कूली सिस्टम का ही हिस्सा होना चाहिए। आपने जो स्ट्रेस दिया, मैं सुन रहा था रवि जी को, उन्होंने कहा कि हमारी जो मौलिक अधिकार के बारे में चलो हम बता भी दें, लोगों को पता भी है, लेकिन जो हमारी खुद की जो ड्यूटीज है फंडामेंटल, उनके संबंध में हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। और ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, मुझे लगता है आप सब लोग अवेयर हो गए इस इशू पे, और शायद होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें जो पहला ही लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, आपने देखा है कि अभी हाल में उस पर ही कॉन्ट्रोवर्सी हुई। सारी चीजें लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन एक सोशल एथिक की तरह अगर हम इसको विकसित करें, अगर सोसाइटी से नीचे से उठ के आवाज और पुकार निकले, क्योंकि ये बेसिक्स हैं,